नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कलेक्टर मऊगंज अगस्त श्रीवास्तव देर रात गरीबों का हाल जानने शिवधाम देवतालाब मंदिर पहुंची और मानवता की मिसाल पेश करते हुए जरूरतमंदों को कंबल बांटकर स्नेह रूपी चादर ओढ़ाई। बता दें कि गुरुवार की देर रात मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव सपरिवार शिव मंदिर देवतालाब पहुंचे और कड़ाके की ठंड के बीच मंदिर परिसर में रात गुजारने वाले गरीब जरूरतमंदों को गर्म उलन कंबल वितरित किए। जिलाधीश के हाथों ठंड भरे मौसम में कंबल पाकर मंदिर परिसर में रहने वाले जरूरतमंद गरीबों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गौरतलब है कि मऊगंज जिलाधीश द्वारा कड़ाके की सर्दी के बीच परिवार के साथ शिव मंदिर देवतालाब पहुंचकर 3 दर्जन से अधिक जरूरतमंदों को उलन कपड़ा वितरित किए जाने पर लोगों ने खुशी व्यक्त की है। इस दौरान कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी नजरों में गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं है, हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना उनका कर्तव्य है और शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनका प्रयास है। मैं छोटे लाल साहब, कहाँ घर है आपका? देवतालाब। कैसा लगा कम्बल मिला आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठंड रहा था, गर्मी आई है। क्या नाम है आपका? राजा कोल। क्या करते हैं? पल्लेदारी। पल्लेदारी करते हैं। कलेक्टर साहब आपको आज कम्बल दिए? हाँ जी दिए, मंदिर में कलेक्टर साहब दिए, उनकी वाइफ थी, उनके बालक थे। कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। दादी क्या नाम है आपका? राजकली। कहाँ घर है आपका? देवतालाब। कम्बल कलेक्टर महोदय द्वारा आपको दिया गया? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा कम्बल बच्चे कहाँ पाए दादा भाई? दादा क्या? देखिए बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस समय 22 जनवरी का जो राम जी का गृह प्रवेश का एक हम लोग आयोजन कर रहे हैं, दीपावली जैसा उत्सव का माहौल है, इसमें मैं सपरिवार आया हूँ, मेरी वाइफ, मेरे बेटे। तो गरीबों को हमने प्रण किया कि कुछ थोड़ी बहुत मदद की जाए, तो इतनी सर्दी में सबसे उत्तम यही है कि उनको ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट दिए जाएं। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं सपरिवार और एक बहुत छोटा सा प्रयास है गरीबों की सेवा करने का और इस अवसर पर भगवान राम की आशीर्वाद लेने का एक अवसर मिला है, उसका हमने लाभ उठाया है।